वहीं आपको बता दें कि जयपुर के परकोटा इलाके के बाहर जेएलएन मार्ग पर मोती डूंगरी के निचले भाग में गणेश जी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ नित्य पूजा अर्चना के साथ ही तीज त्योहार पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाता है। दूर दराज के भक्त गणेश जी को शीश झुकाने और अपनी मन्नत मांगने आते हैं। गणेश जी भी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। यहाँ पर होने वाली नित्य पूजा अर्चना का अपना खास महत्व है। इसके साथ ही हर बुधवार को मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इसके साथ ही मोती डूंगरी गणेश जी के प्रति यहाँ के लोगों में श्रद्धा है। गणेश चतुर्थी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसमें गणेश जी की मनोहरी झांकी सजाई जाती है और भगवान को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया जाता है। इससे पहले यहाँ होने वाले गणेश जी के सिंजारा में अर्पित की गई मेहंदी को भक्त खुद भी लगाते हैं और दूसरों को भी भेंट करते हैं। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र की पूजा, पोष बड़ा महोत्सव, विशेष उत्सव और दर्शन होते हैं। हर महीने के संकट चतुर्थी पर खास पूजा अर्चना होती है और इस कारण यहाँ दूर दराज से भक्त गणेश जी को शीश झुकाने और मन्नतें मांगने आते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से 5 आरती होती है और 2 सूक्ष्म आरती धूप आरती होती है। 5 आरतियों में मंगला आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती, दोपहर शयन आरती, शाम को संध्या आरती और फिर शयन आरती। धूप आरती बाल भोग के बाद होती है और दूसरी शाम के उत्थापन के बाद होती है। इस तरह से 5 मुख्य और 2 संक्षिप्त आरती यहाँ होती है, क्योंकि भगवान शुरू से जंगल में विराजमान थे। जयपुर का ये जंगल था, यहाँ विराजमान थे, इसलिए जब से मेरे पूर्वजों को ये मंदिर की मन्नताएं मिली संवत 1940 के अंदर श्री गणेश चौथ को ये मन्नताएं मेरे पूर्वज पंडित श्री शवनारायण जी महाराज को मंत्र की पदवी दे के यहाँ विराजमान किया गया। हर दिन और तीज त्योहार पर यहाँ भक्त नए वाहनों की पूजा कराते हैं। इसका कारण है कि गणपति जी को विघ्नेश्वर कहा जाता है। तुलसीदास ने गणेश जी को विघ्नेश्वर कहा है और इसीलिए गणेश जी के मंदिर में भक्तों के नए वाहनों पर भगवान के स्वरूप में स्वास्तिक बनाया जाता है, यानी भक्त की चारों दिशाओं में रक्षा गणेश भगवान करते रहे। इस भावना के साथ ही भक्त आते हैं और वाहनों की विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। इससे लोगों की जीवन यात्रा में वाहन के साथ कोई कष्ट नहीं होता और उनका जीवन सुरक्षित रहता है। गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, सबके बाहर और सबके ऊपर गणपति की विशेष पूजन होती है। वाहन के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक का मतलब यह है स्वस्ति निंदो वर्षवा, स्वस्ति न पूषा विश्वेदा, स्वस्ति न तारसो वर्षनेमी, स्वस्थ न वस्पति धातु। इसका मतलब है कि भगवान मेरी सब दिशाओं से और धरती नभ से मेरी रक्षा करे, इसलिए वाहन पूजन यहाँ पे होती है। गणेश जी को हम लोग शुरू से बचपन से ही पूजते आए हैं। जब भी कोई नया काम होता है तो गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजा जाता है, तो भगवान से यही आराधना करने आए हैं कि जो गाड़ी हमने ली है इससे हमारी ट्रैवलिंग अच्छी रहे, हम सेफ रहे, हमारी फैमिली सेफ रहे। जी, मेरी बहुत अच्छी आस्था है और मेरे जीवन सफल रहे, मेरी तरक्की होती रहे, ये शुभकामना के साथ। और गणेश जी की हर गाड़ी जो भी निकलती है वो गणेश जी के सबसे पहले आते हैं, ताकि प्रथम निमंत्रण गणेश जी को ही है। और लंबी यात्रा है, सफ़र लंबा है, तो महाराज का आशीर्वाद जरूरी था, इसलिए मैं ये गाड़ी लेके यहाँ आया। मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर बहुत सुंदर है।
इसकी अलौकिक आभा ही गजानन जी के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि गणेश मंदिर की ख्याति देश विदेश में फैली हुई है और सात समंदर पार से भी भक्त यहाँ शीश झुकाने आते हैं। आपने जाना मोती डुंगरी गणेश मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का जाप कर गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। गणेश जी भक्तों का संकट हरते हैं। भक्तों को अपने संकट दूर करने के लिए हर बुधवार को अर्थावशिष्ट का पाठ करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ दिनेश सविता, एवन टीवी न्यूज़, जय।